स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सोहन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोहन में। तो कैसे हैं? तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक है, इसके बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। क्लास 10th का चैप्टर है त्रिकोणमिति। ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं त्रिकोणमिति क्या चीज है। त्रिकोणमिति ये क्या है? ये ग्रीक लेटर है जो दो शब्दों से मिलकर बनी है। तो त्रिकोण और एक मिति, त्रिकोण और मिति। त्रिकोण यानी कि सिंपल भाषा में जानते हैं त्रिकोण जिसकी तीन भुजाएं होती है। क्या होती है? जिसकी तीन भुजाएं होती है, जैसे त्रिभुज। क्या होते हैं? त्रिभुज जिसकी तीन भुजाएं होती है, जिसकी तीन भुजाएं होती है, तीन भुजाएं, और उसमें क्या होते हैं? तीन कोण होते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं त्रिकोण कहते हैं। ठीक है, और मिति, मिति यानी मापना। क्या होता है? मापना, यानी कि त्रिकोण की भुजाओं और उसके कोणों के बारे में जानना और त्रिकोण की भुजाओं के बारे में मापना करना, उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी कि, यानी इसका मतलब क्या होगा? यानी कि गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा। कौन? गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज की भुजा वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजा है, उसके कोणों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति कहलाती है। यानी कि गणित विज्ञान की वह शाखा, मतलब गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की कोण और उसकी भुजाओं, उसके त्रिकोण और उसकी भुजा में संबंध आदि के बारे में जिसमें बताया जाता है, गणित की वह शाखा कहलाती है त्रिकोणमिति कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति कहलाती है। अब त्रिकोणमिति की शुरुआत कहां से हुई, किस प्रकार? तो एक वैज्ञानिक, एक गणितज्ञ थे जिनका नाम है हिप्पाकस। क्या नाम है हिप्पाकस। जिन्होंने त्रिकोणमिति शब्द का पहली बार उल्लेख किया था, यानी कि त्रिकोणमिति के जनक है ये। कौन है? जनक। त्रिकोणमिति के जनक कौन है? हिप्पाकस। यानी जिन्होंने त्रिकोणमिति के बारे में सर्वप्रथम बताया था, इन्होंने ही त्रिकोणमिति के बारे में बताया सर्वप्रथम, इसका नाम है हिप्पाकस। ये गणितज्ञ थे। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम हमें त्रिकोणमिति के बारे में बताया था। ठीक है, अब त्रिकोणमिति का यूज कहाँ होता है? त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुज के लिए लागू होती है। किसके लिए लागू होती है? ओनली समकोण त्रिभुज के लिए। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के लिए लागू होती है। किसके लिए? ओनली समकोण त्रिभुज के लिए। समकोण त्रिभुज के लिए लागू होती है, के लिए लागू होती है। किसके लिए? ओनली समकोण त्रिभुज के लिए लागू होती है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास जैसे कोई भी त्रिभुज है, जैसे यह त्रिभुज है ABC। ठीक है, तो हम इसको समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, यानी कि बिंदु सी से ए पर लंब डाला डी, ये क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। यानी किसी भी त्रिभुज को हम क्या बना सकते हैं? एक समकोण त्रिभुज है, बनाकर उसका त्रिकोणमिति के उसका अध्ययन कर सकते हैं। यानी कि हम किसी भी त्रिभुज है उसको समकोण त्रिभुज उसको बना सकते हैं। कोई सा भी त्रिभुज हो, उस पर एक लंब डालो सामने भुजा पर, तो वह क्या बन जाता है? एक समकोण त्रिभुज के रूप में दो भागों में बढ़ जाता है। तो हम इनका, इसके एक और दो, इन दोनों का अलग अलग अध्ययन कर लेंगे और उसका एक पूरे का अध्ययन हो जाए। तो हम, यानी किसी कोई भी त्रिभुज दिया हो तो हम उसे क्या कर सकते हैं? समकोण त्रिभुज बनाकर उसे त्रिकोणमिति उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, क्या लगा सकते हैं उसमें? त्रिकोणमिति लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। ठीक है, इसके बाद त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या चीज है? ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या चीज है? ठीक है, इसकी परिभाषा लिख लो पहले। तो किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं का उसके न्यून कोण के संगत अनुपात,
किसी भी त्रिभुज की भुजाओं का उसके न्यून कोण के संगत अनुपात क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में उसके न्यून कोण के संगत, किसके संगत क्या होना चाहिए? कोण न्यून कोण के संगत, न्यून कोण के संगत उसकी भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। जैसे ये कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। अब ये तो क्या हमारा 90 डिग्री का, ये क्या होंगे? दोनों कोण क्या होंगे? ये भी होंगे, ए बी सी इसको नाम दे देते हैं, ये क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। अधिक कोण तो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर अधिक कोण होंगे तो उनके दो कोणों का मान क्या हो जाएगा? 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समकोण त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी कि जो एक 90 होने पर ये दोनों कोण क्या होंगे? न्यून कोण, ठीक है। तो क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का क्या होता है? 180। अधिक कोण अगर होगा तो क्या हो जाएगा? दोनों कोणों का मान 180, जो कि दो की त्रिभुज में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इसको हम दूसरी तरह से देख सकते हैं, जैसे त्रिकोणमिति अनुपात, इसको दूसरी तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि त्रिभुज की भुजाओं त्रिकोणमिति अनुपात में क्या करते हैं हम? त्रिकोणमिति अनुपात में त्रिभुज, किसी त्रिभुज की भुजा और उसके कोणों के मध्य संबंध को बता दे, वो क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। यानी कि फिर से सुन लीजिए एक बार, किसी समकोण त्रिभुज में उसकी भुजा और कोणों के मध्य संबंध को प्रदर्शित करने जिसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यानी उसकी भुजा और कोण दोनों के मध्य संबंध के बारे में पता चलता है त्रिकोणमितीय अनुपात के द्वारा, ठीक है। तो अब त्रिकोणमितीय अनुपात देख लेते हैं, हमने सुना है, हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। क्या होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम पढ़ते हैं। कितने होते हैं? 6, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक कुछ बेसिक्स है उसके बारे में जान लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी समकोण त्रिभुज है, जिसमें बी 90 डिग्री है, और माना कोई एंगल हमने ये ए मान लिया, ये क्या है? कोई एंगल थीटा है, ठीक है। कोई एंगल क्या है? थीटा है। तो थीटा क्या है? कोई 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 कोण है। क्या है? कोई कोण है, जिसका मान कोई न्यून कोण होगा, ठीक है। थीटा कोई भी कोण हो सकता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो थीटा है, थीटा थीटा के जस्ट सामने, यानी कि ये वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कौन सी है? बीसी। क्या है? बीसी। इसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। यानी कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है। और जो थीटा के बगल वाली होती है, जो थीटा के साथ वाली भुजा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? थीटा के साथ वाली भुजा को क्या बोलते हैं? साथ वाली भुजा कौन सी है? ए बी। क्या है? ए बी। ए बी को क्या बोलते हैं हम? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि अब मान लिया ये कि आपने बताया था थीटा के सामने वाली भुजा बीसी, क्या बताया था? बीसी लंब होती है। तो हर केस में लोग बीसी, आप देखोगे चित्र में बताया था कि बीसी लंब होती है, नहीं हर केस में नहीं होता। किसके सापेक्ष है? थीटा के सापेक्ष। थीटा क्या है? ए। यानी कि कौन? बी ए सी बराबर थीटा के सापेक्ष है। किसके सापेक्ष? ओनली कौन? बी ए सी के सापेक्ष, ठीक है। अब यदि हमारा थीटा चेंज हो जाए, थीटा चेंज माना अब अगले चित्र में दे दिया आपको कि जो थीटा है वो किस पे बन रहा है? सी पे बन रहा है, चलो, ठीक है। तो अब ये क्या है? ये चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? लंब। थीटा के सामने भुजा क्या हो गई? ए बी। क्या हो गई? ए बी। यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। और आधार क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। यानी कि थीटा के सापेक्ष हमें देखना है, किसके सापेक्ष? थीटा के सापेक्ष देखना है। जब थीटा है उसके जस्ट सामने वाला क्या है? लंब। और जो सबसे वाली 90 डिग्री वाली होती है वो कर्ण। तो एक बच्ची जो क्या होती है? हमारी आधार होती है, ठीक है।
इस प्रकार से हमें चक्रण अगर ये आ गया तो त्रिकोणमिति बहुत सिंपल है। त्रिकोण अनुपात बिल्कुल सिंपल चीज है, बस ये बेसिक फंडा आना चाहिए। यहाँ पर हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सी भुजा को क्या कहते हैं, ठीक है। जस्ट एक मालूम पढ़ना चाहिए कि डेढ़ डिग्री सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, और जो सबसे वाली बड़ी वाली होती है जो 90 डिग्री सामने उसको हम जानते ही कर्ण होती है, ठीक है। तो अब आप बताना इसमें एक क्वेश्चन एग्जाम्पल है। तो इसमें लंब क्या होगा, क्या होगा इसमें लंब एक्स के जस्ट सामने वाला, यानी क्या होगा क्यू आर होगा। और आधार क्या होगा इसमें, आधार एक्स के जस्ट बगल वाली भुजा क्या होगी पी क्यू। और कर्ण तो अपन जानते ही है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा पी आर क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, ठीक है। अब इस वाले भी ठीक, थीटा के सामने लंब ए बी, और 90 डिग्री सामने वाला क्या लिख लो, पहले कर्ण लिख लो, कर्ण कौन सा है ए सी, तो बचा क्या आधार, आधार क्या हो गया बी सी। इस प्रकार से अपन को पहचानना आना चाहिए, ठीक है। अब छह त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, क्या होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, छह होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, छह होते हैं, कितने होते हैं छह होते हैं। पहला है साइन, अब इसके आगे हम एंगल लगा देते हैं, जैसे साइन ए, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं हम, इसका फुल नाम होता है साइन ए, इसको इस तरह भी लिखते हैं क्या, साइन ए शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। और दूसरा है कोसाइन, कोसाइन ए, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, कॉस लिखते हैं, क्या लिखते हैं कॉस लिखते हैं, ठीक है। अब तो शॉर्ट फॉर्म भी आप ज्यादा काम में आएगी, शॉर्ट फॉर्म भी याद कर लेना, ठीक है। और दूसरा है तीसरा टेंजेंट, टेंजेंट ए, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टेन ए, ठीक है। इसके बाद चौथा है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ए, इसको शॉर्ट में लिखते हैं कॉट ए के रूप में, ठीक है। और पांचवा है सीकेंट, सी सी ए एंटी सीकेंट ए, इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं सेक ए, ठीक है। और छठा है कोसेकेंट, जिसको हम शॉर्ट में लिखते कोसेक ए, ठीक है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे हम, इनके बारे में, तो इसका क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, लंब बटा कर्ण, या आप इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, जिसको एच बोलते हैं, और लंब कर्ण, नहीं ये हाइपोटेनस एच, और ये क्या होता है लंब, ठीक है। कोसेक क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये क्या होता है लंब बटा आधार, टेन क्या होता है लंब बटे आधार होता है, ठीक है। और अपन जानते हैं कॉस, कॉट क्या होता है टेन का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि आधार बटे लंब। सेक क्या होता है कॉस का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटे आधार, ठीक है। और कोसेक क्या होता है जस्ट साइन का उल्टा, यानी कि कर्ण बटे लंब, ठीक है। अभी हमको याद करना होता है, लेकिन इसकी क्या है बच्चों को याद नहीं रहता जल्दी से, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक्स है गैस को क्या लिखते हैं हम एल लिख लेते हैं, और कर्ण को के, ये क्या होता है ए, कर्ण को के मान लेते हैं, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है याद करने की एल ए एल बटा के ए, ठीक है, ये की शॉर्ट ट्रिक है। यहां लिख लो साइन कॉस और टेन, यानी कि साइन लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण, टेन लंब बटा आधार, और नीचे कॉट सेक और कोसेक लिख लिया, तो कॉट कर्ण बटा लंब, सेक कर्ण बटा आधार, कोसेक आधार बटा लंब, यानी कि याद क्या रखना है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, इससे साइन कॉस और टेन आ जाएगा, और इनको जस्ट अपोजिट करने पर कॉट सेक और कोसेक आ जाएगा, ठीक है।
ठीक है, और एक भी होता है इसका पी बी, ये हाइपोटेनस बेस और लंब पैलर अपन डालते हैं इसको, लंब को इंग्लिश में पी के द्वारा दर्शाते हैं, तो इस प्रकार भी आ सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, लंब को इंग्लिश में पैलर का पैलर बोलते हैं, जैसे अपन डालते हैं लंब, ठीक है, इस प्रकार से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले किसी भी मेथड से हम याद रख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से त्रिकोणमिति अनुपात को याद रख सकते हैं, ठीक है, जिसको याद रखना लाल बटे तक्का, ये बहुत काम आएगा अपने, ठीक है, इसके द्वारा बहुत सवाल याद होंगे, अपन कंपटीशन में भी करेंगे तो डायरेक्ट इसको याद रखा जाता है कि साइन क्या होता है एल बटा के यानी कि लंब बटा कर्ण, ठीक है, टेन क्या होता है लंब बटा आधार, ठीक है, इस प्रकार से इनको याद रखा जाता है। और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है चार पांच, उनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसके बारे में इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। पहली जैसे साइन ए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है साइन ए, तो इसको पढ़ते कैसे है, इसको साइन ए साइन इन टू ए यानी साइन ए से गुणा नहीं है, इसको इस प्रकार नहीं पढ़ते साइन ए इन टू ए, इसको पढ़ते हैं साइन ऑफ ए, क्या पढ़ते हैं साइन ऑफ ए पढ़ते, क्या पढ़ते हैं साइन ऑफ ए पढ़ते हैं साइन ए, डायरेक्ट अपन बोलते थे लेकिन इसका मतलब अगर सही ढंग से पढ़ो तो क्या पढ़ते हैं साइन ऑफ ए, यानी कि ए कोई थीटा है जिसका क्या लगा हुआ है इसका साइन लिया गया है, क्या लिया गया साइन लिया गया है, ठीक है, ठीक है। अब जो इसके बाद है दूसरा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होता है एक वास्तविक संख्या आता है, क्या आता है वास्तविक संख्या आता है, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या आता है एक वास्तविक संख्या, क्या आता है वास्तविक संख्या आता है, ठीक है, लेकिन और दूसरी बात त्रिकोणमितीय अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, क्या नहीं होती इसकी कोई इकाई नहीं होती है, कोई इकाई नहीं होती है, इकाई नहीं होती है, इसकी क्या नहीं होती है कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है, इसकी कोई इकाई नहीं होती, जैसे इसमें क्या होता है साइन ए लेंगे तो भुजा बटा भुजा आती है, इसलिए क्या आती है भुजा बटा भुजा, इसलिए इसकी यूनिट क्या होती है आपस में कैंसिल आउट हो जाती है, क्या हो जाती है कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कोण पर निर्भर करता है, कोण पर निर्भर करता है न कि भुजा पर, न कि भुजा पर, ठीक है, कैसे तो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कोणों के आधार पर चलता है, इसके भुजा के आधार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे दो त्रिभुज है दो समकोण त्रिभुज, ये ए बी सी है, ये कोण सी बना हुआ है और ये त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है, ये क्या है समरूप त्रिभुज है, क्या है समरूप त्रिभुज है, दोनों क्या है समरूप त्रिभुज है, ठीक है। अब समरूप त्रिभुज लेंगे इसमें, ठीक है, समरूप त्रिभुज हम जानते हैं क्योंकि होता है उसके सभी कोण बराबर है, यानी कि इन दो में क्या है कोण ए किसके बराबर है कोण पी के बराबर है, कोण सी किसके बराबर है कोण आर के बराबर है, कोण बी और क्यू तो क्या है ऑटोमेटिकली 90 डिग्री के है, ठीक है। तो इसका जब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा सेम आएगा, यानी कि साइन ए इक्वल टू किसके होगा साइन ए इक्वल टू किसके होगा साइन सी के, साइन पी के किसके साइन पी के होगा, साइन पी के होगा, साइन ए किसके बराबर होगा साइन पी के बराबर होगा, तब ये क्या होंगे समरूप होंगे, यानी कि इसमें भुजाओं का कोई रोल नहीं है त्रिकोणमितीय अनुपात में, त्रिकोणमितीय अनुपात सिर्फ कोणों पर निर्भर करता है, यदि कोण बराबर है तो उसके त्रिकोणमितीय अनुपात भी क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है, यदि कोण बराबर है तो उसके त्रिकोणमितीय अनुपात भी बराबर होंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान है जो सिर्फ कोण के साथ बदलता है, किसके साथ ओनली कोण के साथ बदलता है, भुजा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। इसके बाद है पांचवा है, यदि हमें
एक त्रिकोणमिति अनुपात दिया हो, एक त्रिकोणमिति अनुपात दिया हो तो अन्य को हम निकाल सकते हैं, तो अन्य को निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि हमने एक त्रिकोणमिति अनुपात दिया हो, कोई सा भी एक त्रिकोणमिति अनुपात जैसे दिया है, हमें दिया है कि यदि यदि साइन ए क्या, यदि साइन ए इज इक्वल टू 4/5 है, क्या है, साइन ए इज इक्वल टू 4/5 है तो कॉस ए निकालो, ठीक है, और टेन ए और साइन सी निकालो, जहां कोण बी इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, तो जैसे ये दिया हुआ है, कोण बी क्या बनाना है 90 डिग्री बनाना है, ए और सी है, तो क्या निकाल, क्या दिया हुआ है हमें साइन ए, यानी कि साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है 4/5 दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब कौन सा हो जाएगा, ए के सामने वाला लंब कौन सा, बी सी, ये कितना हो जाएगा 4, और कर्ण कितना हो जाएगा 5, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इससे ए भी निकाल सकते हैं। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा है, फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमारे पास कितना 5 का स्क्वायर, लंब 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार हमें निकालना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25, ये कितना 16, पक्षांतरण कर देंगे तो आधार का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 में 16 गए तो 9 बचे, तो आधार का स्क्वायर बराबर 9, तो आधार बराबर कितना आ गया, अंडर रूट ले लेंगे इसका, अंडर रूट 9 इक्वल टू 3, यानी कि आधार कितना आ गया ना 3 आ गया। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं। अब हमसे क्या पूछा है, कॉस ए पूछा है, तो कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यहाँ पे आधार कितना है, आधार ए बी, कर्ण कितना है ए सी, तो ए बी तो हमारे पास कितना है 3 और ए सी कितना है 5, यानी कि आंसर कॉस ए निकल गया। इसके बाद टेन ए निकालो, ठीक है, टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है ना लाल का, इससे हो जाएगा, यानी कि लंब बटा आधार, तो लंब कितना है, टेन ए के सामने लंब बी सी अपॉन ए बी, तो बी सी कितना है 4/3। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। और इसके बाद है, इसके बाद क्या निकालना है, दो आंसर हो गए। इसके बाद हमें निकालना है साइन सी, साइन सी, सी अब एंगल कौन सा लेना है, ये वाला बताया था, एंगल के साथ रेफरेंस चेंज हो जाता है, तो अब लंब हमारा क्या होगा, साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, यहाँ पर लंब, ये अब ये वाला एंगल है, तो लंब क्या होगा, ए बी होगा, क्या हो गया, ए बी, कर्ण तो वही रहेगा ए सी, तो साइन सी बराबर ए बी, यानी कि 3, ए बी 3 है और ए सी क्या है 5, यानी कि 3/5। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद है कि साइन ए बाय कॉस ए, क्या साइन ए बाय कॉस ए के मान हमेशा एक से छोटा होगा, छोटा होगा विशेष केस में, विशेष केस में एक होगा, क्या होगा, एक होगा। वो विशेष केस क्या है, विशेष केस जब थीटा बराबर के आ जाए, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तब साइन ए, साइन ए या कॉस ए तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और 90 डिग्री होता है तब साइन क्या हो जाता है, यानी कि ये दो विशेष केस है, इनके बारे में हम बाद पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। साइन ए एक से छोटा होता है, यानी कि साइन ए क्या होता है, साइन ए और कॉस ए क्या होते हैं,
साइन होता है लंब बटे कर्ण, एक होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो यानी कर्ण क्या होता है त्रिभुज में, कर्ण क्या होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। कर्ण क्या होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कि कर्ण हमेशा ऑलवेज बड़ा रहेगा, लंब छोटा रहेगा। अगर नीचे अगर किसी संख्या का हर बड़ा है तो वो क्या आएगी, हमेशा एक से छोटी आएगी, क्या आएगी एक से छोटी आएगी, क्या आएगी एक से छोटी आएगी, ठीक है ना। इसमें भी यही आधार क्या होता है कर्ण से छोटा होता है, इसलिए साइन और कॉस क्या होते हैं एक से छोटे होते हैं। और सातवां पॉइंट है कि सेक व कॉसेक, सेक ए और कॉसेक ए क्या होते हैं एक से बड़े होते हैं, क्या होते हैं एक से बड़े होते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं इसके उल्टे होते हैं। तो सेक ए तो होता है अपना, सेक ए तो होता है, सेक ए होता है कॉस का उल्टा होता है, कर्ण बटे आधार होता है, क्या होता है कर्ण बटे आधार, और कॉसेक ए होता है कर्ण बटे लंब, ठीक है कर्ण बटे लंब होता है। अब यानी अब देख लो कर्ण हमारा ऑलवेज क्या होता है कर्ण, कर्ण सबसे बड़ा होता है, यानी कर्ण बड़ा रहेगा ये छोटा रहेगा, यानी जब किसी का अंश बड़ा और आधार हर छोटा होता है तो क्या होती है संख्या एक से बड़ी आती है, क्या आती है एक से बड़ी आती है, ठीक है। यहाँ पर हमेशा कर्ण क्या अपना क्या रहेगा बड़ा रहेगा, और ये आधार और लंब क्या होंगे छोटे से एक से बड़ा होगा। और एक विशेष केस और होता है जिस प्रकार इसी में होता है कि जब कर्ण इनका मान क्या होता है एक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है तुमको दिया हुआ है कोई त्रिभुज है ए बी और सी दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, इसमें कोण बी ए सी बराबर दिया हुआ है थीटा, ठीक है, और ए सी बराबर कितना दिया हुआ है, ए सी बराबर दिया हुआ है 13, और ए बी बराबर दिया हुआ है 5, ठीक है, क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसमें निकालना क्या है साइन ए, साइन ए निकालना है, कॉस सी और टेन ए निकालना है, ठीक है, ये निकालना है हमें। तो सबसे पहले तो हम हमारे पास क्या क्या है, थीटा कौन सा है, थीटा ए दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है और ए बी दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या निकाल लिया, तो बी सी निकाल, क्या निकाले बी सी निकालने के लिए वही अभी लगाया था फॉर्मूला कि कर्ण स्क्वायर क्या है, बी सी क्या है यहाँ पे लंब, डायरेक्ट लगा लेते हैं लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला तो आता ही होगा, कर्ण यानी 13 का स्क्वायर माइनस आधार 5 का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर तो है ही, कितना आ गया 144, तो लंब बराबर अंडर रूट 144, 144 का अंडर रूट कितना होता है 12, तो ये आधार कितना आ गया, लंब कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं, सबसे पहले क्या पूछा है साइन ए पूछा है, तो साइन ए क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर लंब कितना है बी सी, कर्ण कितना है ए सी, तो यानी बी सी बराबर कितना है हमारा 12, चित्र में देखो बी सी 12 और ए सी कितना है 13, ठीक है, ये हो गया। कॉस सी निकालना है, कॉस सी अब ये वाला एंगल लिखना है, ठीक है, ये वाला एंगल लिखना है, तो कॉस सी क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो अब इसमें आधार क्या हो गया, ये बी सी यहाँ पे आधार हो गया, बता रहे अगर आप ये कोण की बात है, अगर आप ये पहचानना जान लोगे कि ये कोण दिया हुआ है इसके सामने वाला ये लंब है, तो आपका एक त्रिकोण के अनुपात वैसे सॉल्व हो जाएगा। तो अब इसमें आधार क्या हो गया बी सी, कर्ण तो अपना ए सी, कर्ण तो चेंज होने वाला है नहीं, तो आधार कितना 12/13, ठीक है। इसके बाद आप कहोगे दोनों यहाँ पे अलग अलग है, ये के सवाल तो हमने बताया था कि कोण चेंज होने पर इसका मान चेंज होता रहता है, टेन ए कितना होता है लंब बटे आधार, तो ए है तो ए के सामने लंब कितना है बी सी, बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी कितना है 12/13, तीनों ए सी नहीं है 13, आधार कितना है यहाँ पे ए बी ना है ए बी, तो ए बी कितना है 5 यानी 12/5। इस प्रकार से आप और भी क्वेश्चन की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम उनको सॉल्व कर सकते।